हेलो दोस्तों, डीएस बेंजो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बढ़िया आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, 1200 का थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, पिछले हम लोग वीडियो बनाए थे बहुत सारा, उसमें 12 जगह सरगम बताए थे अपन। 12 जगह सरगम, जैसे अपन 12 अक्टूबर होता है ना, तो अपन 12 जगह 12 स्केल का सरगम बताए थे, जैसे एफ शार्प हो गया, जी शार्प हो गया, एफ हो गया, एब ऐसा ए शार्प हो गया, बी का हो गया, ऐसे सब सरगम बताए थे, है ना। तो आज हम लोग खाली यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये 12 है, तो इसमें कोमल कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, तीव्र कौन सा है, ये सब नॉलेज अपने को नहीं है। कई लोग को नॉलेज रहता है, है ना, कई लोग बाजार है, उनके लिए नहीं है ये वीडियो, जो नया है वीडियो में जो सीख रहे हैं उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, जो बाकी बजाते हैं उनके लिए भी है, थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं इसमें का। तो वही है वीडियो, आज उसी के बारे में बात करेंगे, थर्मामीटर, है ना। तो आइए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहिए दोस्तों। हमारे चैनल में अगर नए होंगे आप तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों सभी राग सरगम हम लोग यहीं से किए थे, आज भी इसका नॉलेज थर्मामीटर का यहीं से लेंगे, है ना। जो यहाँ से अगर कर लिए तो सभी जगह ये आपका काम ही आएगा। अपन बेसिक यहाँ से दे रहे हैं, बाकी आपको सभी जगह के सरगम तो ज्ञात है, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सरगम बजाएंगे इसका, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, उसके बाद अब अपने को कोमल रे लगाना है, तो कोमल रे कौन सा होगा, सा, ये रे है ना, तो सीधा सा के बाद रे, रे सा रे कोमल गा, गा मा, है ना, मा तीव्र भी लगा सकते हैं, मा तीव्र ये है प के ऊपर, है ना। ये आपको एक चार्ट बना और दूंगा मैं, अभी वीडियो में खाली इसी बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम बढ़िया चार्ट बना के दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना फिर आप समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले कोमल पैसा सा, दोनों सेम है ना सा। उसके बाद इसमें रहेगा मेन मेन कौन कौन सा रहेगा, सा रहेगा, रे रहेगा कोमल, ग रहेगा कोमल, और म तीव्र रहेगा, और ध कोमल रहेगा, और नी कोमल रहेगा। ठीक है, खाली म तीव्र रहेगा, है ना दोस्तों। ताई देखते हैं, सबसे पहले सा रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र लगाएंगे, प ध कोमल, नी कोमल। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको, एक बार फिर से अब देख लेते हैं अपन, सा रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, उसके बाद फिर प शुद्ध, प एक ही रहेगा ना, उसके बाद ध कोमल, नी। ठीक है दोस्तों, अपने को सरगम तो अपने को सभी को आते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सब बजा लेते हैं, लेकिन इसमें का कोमल कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, तीव्र कौन सा है, आपको ज्ञात रहना चाहिए। क्योंकि गाना जैसे बजा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं, हिंदी तो गाना लेते हैं अपन, जैसे एक तो गाना लेते हैं अपन सांसों की माला, सांसों की माला बजा रहे हैं, है ना, सांसों की माला पे। तो अपन अगर कोमल शुद्ध ग लगाएंगे तो कैसा आएगा ये, हाँ, तो यहाँ से फर्क पड़ता चल रहा है ना आपको, है ना। तो चढ़ रहा है, देखो हमारा क्या क्या शब्द लग रहा है, कोमल गा लग रहा है, ध भी लगेगा, है ना। कोमल नी भी लग रहा है, तो ऐसा आपको सब पता रहना चाहिए, कोमल शुद्ध, है ना, तभी आप गाना बजा पाओगे। तो
जिन लोग अभी चैनल में नए हों मतलब होंगे या बिंजू भी बजा रहे होंगे, नए अभी सीख रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ है ना। और जैसे कुमार रे कहाँ लगता है, जैसे अभी तो अभी गाना गणेश जी का है, देवश्री गणेश साहब, आपको बताए थे सारे गा है ना, भैरवी राग का है गाना, अब भैरवी राग बता चुके हैं। तो ये जो सारे तो इसी कारण कोमल उमल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी कारण ये वीडियो था छोटा सा, आपको शॉर्ट के माध्यम से बता रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी हो पाए ऐसा करके। जो बेंजो नए लिए होंगे उन लोग की ये जानकारी था थोड़ा सा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपको चार्ट इसी वीडियो में आपको बना के दे दूंगा अंत में, आप देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें। धन्यवाद।